हुए। अच्छा। शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, खाकीकरण हो रहा, कैसा रेलों को बेचा गया, वो क्या है फैक्ट्री में बेचा जा रहा, फैक्ट्री टेलीफोन बेचा जा रहा, ये क्या है, ये आजादी है। स्वागत करता हूँ। नागपुर में एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कल दशहरा हुआ है। अभी हम हैं इंदौरा चौक, नागपुर का इंदौरा चौक, आप यहाँ देख सकते हैं एससी समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। और अभी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमें विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 6 ऐसी बड़ी गाड़ियों में लोगों को पुलिस जेल भी लेके गई है। जेल भरो आंदोलन यहाँ किया गया, क्योंकि वामन मेश्राम एक जाना माना नाम, इन्हें नजर बंद किया गया है, ऐसा यहाँ लोगों का आरोप लगाया जा रहा है। हम अभी यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और पूरे मैटर को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है आपको यहाँ पुलिस बंदोबस्त दिखाने का। नागपुर में आप देख सकते हैं कल दशहरे की रैली हुई है नागपुर में, और ये आप यहाँ पर लगातार पुलिस बंदोबस्त, कितना भारी तादाद में पुलिस बंदोबस्त और पुलिस की गाड़ियां किया गया है। सुबह बहुत ज्यादा भारी तादाद में पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर। और रामचंद्र कुल्ले, मैं भंडारा से आया हूँ। अच्छा, क्या है पूरा माजरा, दर्शक जानना चाहते हैं, और क्या ये बात सच है कि बाबा वामन मेश्राम जी को नजरबंद किया गया है? हाँ, सही बात है, बात की सच्चाई है। सच्चाई है। कब किया गया नजरबंद? ये आज ही किया गया। और उसकी वजह क्या बता रही है आप पुलिस प्रशासन? उसकी वजह के सार्वजनिक अधिकार है हमारे, जो मूलभूत अधिकार है उसको खत्म किया जा रहा है, और उसके विरुद्ध लड़ाई है ये, और ये आरएसएस का षड्यंत्र है। तो जो विदेशी है उसके विरुद्ध मूल निवासी की लड़ाई है। अच्छा, आम लोगों वर्सेस विदेशी का, तो आप विदेशी की सूट कह रहे हैं? हम आरएसएस को कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग है, हम मूल निवासी है। अच्छा, इसके लिए तर्क क्या दे रहे हैं आप? डीएनए का क्या कह रहे हैं? हाँ, डीएनए होना चाहिए। जब मोहन भागवत बोलता है आरएसएस का लीडर कि हम सबका डीएनए एक है, तो डीएनए का टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए भाई? एक है वो, सभी लोग एक है ना, सभी का डीएनए एक है भारतवासियों का, तो इसका टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? की वजह बहुत साफ है, आम आदमी को शिक्षा नहीं मिल रही, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, तो आम आदमी शिक्षा ले पाएगा क्या? मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा से ये देश आगे बढ़ेगा कि गुलामगिरी से बढ़ेगा? ये गुलाम करने की साजिश रची जा रही है, किसके विरुद्ध है? और हमारा जो मौलिक अधिकार है ये छीना जा रहा है, तो संविधान श्रेष्ठ है या इनका गुलामीगिरी में रहना चाहेंगे हम? हमको आजादी होना, हमको मुक्ति होना, इसलिए हमारा संविधान का अधिकार जो भी है हमारे, उसके विरुद्ध लड़ाई है हमारे। तो हमारा देश तो ऑलरेडी आजाद है, फिर आप आजाद तो बेरोजगारी बढ़ेंगी कि क्या होगा उससे? नौजवान भटकेंगे। अच्छा, वामन मेश्राम जी को कब तक रिलीफ करने की बात प्रशासन और पुलिस कह रही है? अब ये इसकी मुझे सविस्तर यानी डिटेल्स जानकारी नहीं है, जो भी जानकारी प्राप्त होगी। तो एक अलग ही रोष नजर आ रहा है, और खबर ये भी आ रही है कि वामन मेश्राम जी को नजरबंद किया गया है, क्योंकि वो एक मोर्चा निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जो संविधान को नुकसान हो रहा है, संविधान को लगातार चोट पहुंचाई जा रही है आरएसएस के थ्रू, इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत दशहरे के दूसरे दिन से नागपुर में की जा रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें परमिशन नहीं दी और उन्हें नजरबंद करके कहीं अज्ञात जगह पर लेके जाया गया है, ऐसी खबरें आ रही है। मोर्चा या रैली जो थी संवैधानिक और लोकशाही बेजन बाग से आरएसएस के ग्राउंड तक का हमारा जो मिशन था यहाँ से जाने का। अच्छा, ये आज का? हाँ, आज का। तो वहाँ जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या है, वो कोर्ट अगर देखेगा तो वहाँ परमिशन दिया नहीं गया, तो यहाँ हमने विरोध प्रदर्शन किया है, और वो भी लोकशाही पद्धति से, संवैधानिक तरीके से। हमारी यही मांग थी कि संविधान के अनुसार इस देश का शासन प्रशासन चले। तो ये जो मनुवादी सरकार जो है यहाँ पे, जो केंद्र में सरकार है और स्टेट में जो है, जो उसका उल्लंघन करके हमारे लोकशाही को, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, इसलिए विरोध में हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे।
तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मेश्राम जी को, उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है और उनके विरोध में फिर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन करके गिट्टी खदान के पुलिस स्टेशन में हमारे को सबको लेके गया। लेकिन हमारी मांग थी कि जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम लोग भी वहीं पे डरते रहे। तो अभी पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ये बोल रहा है कि उनको रिलीज किया जाएगा और आप लोग अपने घर वापस चले जाओ, लेकिन हम तक तब तक है नहीं। अभी भी कार्यकर्ता वहाँ पे डरते हैं। कहाँ पे? गिट्टी खदान का जो गिट्टी खदान पुलिस लाइन, वहाँ अभी भी कार्यकर्ता है और अभी भी हटे नहीं। जब तक साहब को छोड़ा नहीं जाएगा, उनके साथ में अगर अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ से हटे नहीं। अच्छा, ये पूरे घटनाक्रम में पुलिस के किस आला अधिकारी से आप लोगों की बातचीत चल रही है? पुलिस अधिकारी से बात नहीं, वो जो वहाँ पे जो थे। अच्छा, मतलब पीआई लेवल के? पीआई लेवल के या डीसीपी एसीपी जो थे। आपकी हुई बात की जो हमारे जो पदाधिकारी वो बात।